हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सबके साथ में आज मैं एक डाइट शेयर करूँगी जो कि हाई प्रोटीन डाइट है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और शरीर के साथ साथ अगर देखा जाए तो ये वेट लूज़ करने के लिए और हमारे बालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इस डाइट को मैं वेट लूज़ और अपना हेयर्स के पर्पज़ से ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे जो हेयर लॉस के प्रोसेस इसमें बहुत ज़्यादा ही है, तो इसलिए मैं इसको मॉर्निंग में ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो इसको क्या करना है, आपको साबुत मूंगफली का दाना लेना है, साबुत मूंग लेना है और साबुत चना, और रात भर के लिए इसको पानी में भिगोकर रख देना है। और रात भर भीगने के बाद में आपको सुबह इसको अच्छे से वॉश करने के बाद में खूब अच्छे से इसको वॉश कर लें और एक कुकर में इसको एक सीटी लगा दें तो ये बॉईल हो जाएगा। और उसके बाद में इसको क्या करना है, आपको प्याज, टमाटर और ग्रीन चिल्ली, इस तरीके से ये सारी चीज़ें करने के बाद में आपको नींबू डालकर उसको खा लें। और बहुत ही, यहाँ पर मैंने इसको कुकर में रख दिया है बॉईल होने के लिए, तो यहाँ पर मैंने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। और एक ही सीटी में बहुत अच्छे से ये बॉईल हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। और अगर देखा है हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या फिर बहुत ज़्यादा वेट आपका है, अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो ये डाइट उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर आप इसको मॉर्निंग में एज अ ब्रेकफास्ट लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, आप दोपहर में अगर एक रोटी खा रहे हैं तो ये सफिशियंट होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बॉईल हो गया है और बॉईल होने के बाद मैंने इसमें टोमेटो, ग्रीन चिल्ली और ओनियन डालकर और इसमें लेमन भी डाला हुआ है और ये बहुत ही खाने में बहुत टेस्टी लगता है। सो नाउ अभी मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, मैं ब्रेकफास्ट अपना करूँगी। सो थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को फुल वॉच करना।